गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी को मैं सो के उठा हूँ, तकरीबन 10:30 हो रहा है, नहाया धोया हूँ, उसके बाद सोचा हूँ थोड़ा सा जाऊँ चाय पी लूँ, चाय पी कर आता हूँ, क्योंकि भाई केदारनाथ का टूर, मैं कल निकल जाऊँगा केदारनाथ, तो आज पैकिंग वैकिंग करना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना दें, तो चलो चलते हैं देखते हैं। भाई जिस दुकान पर हम लोग जाते थे वो दुकान आज बंद है, उनके घर मरनी पड़ गया है, तो आज हम लोग दूसरे दुकान पर आए हैं। ये भी बहुत अच्छा दुकान है, मतलब चाय वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, और मैंने समोसा ऑर्डर किया है और चाय ऑर्डर किया है। चलो खाते हैं पीते हैं और चलते हैं पैकिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास समय कल निकलना है, तो भाई आज ही जितना करना है सामान वामान सब सारा सामान रखना है, तो चलो चलते हैं देखते हैं भाई, लेकिन मज़ा बहुत आएगा केदारनाथ में। फाइनली गाइस देखो समोसा और चाय आ गया है, ये खाते हैं और चलते हैं पैकिंग करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लेट होगा, काफ़ी लेट सो के उठे हैं, तो चलो चलते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग शूट करते हैं। चलिए भाई घर आ चुके हैं, अब पैकिंग करते हैं केदारनाथ का, तो चलो चलते हैं देखते हैं, पैक करते हैं थोड़ा सा। भाई अभी बज रहे हैं 12, तो अब जो प्रेस व्रेस का चक्कर है तो वो अभी नहीं होगा, तो 2 बजे बाद होगा, तो तब तक हम जा रहे हैं खाना खाने और आराम करें। आराम करने के बाद जैसे ही हम उठेंगे तो उसके बाद सारा सामान पैक किया जाएगा, तो चलो सोते हैं खाते हैं। तो फाइनली गाइस सो के और खा के उठ गए, अब चलो चलते हैं कपड़ा प्रेस करते हैं, तो काफ़ी मतलब कपड़ा, मतलब 16-17 दिन का टूर है, तो भाई 6-7 दर्जन कपड़ा तो ले, दर्जन नहीं 6-7 कपड़ा तो ले जाना पड़ेगा, तो चलो देख लो तुम लोग। भाई यही है कपड़ा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 शर्ट और 5 जीन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एक लोवर है। भाई मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसीलिए मेरे मम्मी भी कहीं, तो कपड़ा अपना पूरा प्रेस कर लो और प्रेस करके रख लो, तो हम लोग प्रेस करके अभी आया है, तो अभी मेरा थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर देगा, तो भाई मेरे पास समय नहीं है, जो कहना वो स्पष्ट बात समय नहीं है, अभी रेनकोट लेना है और 2-3 चड्डी बंडी लेना है बस, तो चलते हैं और कपड़ा प्रेस करते हैं सबसे पहले। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं ये चंदन भैया है, तो जा रहे हैं कपड़ा प्रेस करने, भी देखिए हो गया कपड़ा तो प्रेस करना ही पड़ेगा अभी, तो भाई सजा रहे हैं। अरे यार थोड़ी ना सजाएंगे इसको, अरे नहीं कपड़ा प्रेस होगा, तो गाइस देखिए देख सकते हैं आप लोग इधर प्रेस लगा रही है। ओ भाई सिस्टम लग गया, अब इसे गर्म होने देते हैं भाई, तो चलो भाई 5 मिनट का वेट करते हैं, मालूम है क्या होता है। फाइनली गाइस देख आप लोग देख सकते हैं कि जी 1 शर्ट जा रहा है प्रेस होने, देख सकते हैं आप लोग। भाई पहले गर्म तो होने दो उसको, तो उसके बाद ना होगा यार। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हो गया तो स्टार्ट कीजिए, क्या करना है आप लोग, हमको स्त्री वाला दुकान खोल लेना चाहिए सच्ची में। पैसे ही पैसे होंगे। वो नहीं क्या भैया, अरे भाई अभी देख रहे हो अभी तो अभी हमारा भी करना है। मेरा हो ही नहीं रहा, तुम्हारा करेंगे लेकिन कर देंगे सच्ची में, 20 रुपया लेंगे 1 शर्ट का, नहीं 150 रुपये देगा पूरे। मेरा घर चला जाएगा। ओ भाई क्या आप गर्म स्वेटर नहीं लिए, जो कि यहाँ पर ओला गिर रहा है, कहाँ भे केदारनाथ। अबे हाँ यार तो गाइस अभी स्वेटर भी लेना है भाई, मैं तो भूल ही गया था यार, कसम से बता रहा है, गजब तो, सर्दी। अरे यार वो सबसे पहले मैं शर्ट देख लेता हूँ, उसके बाद जैकेट निकलवा लेता हूँ मम्मी से और स्वेटर रख लेता हूँ, इतना तो काफी होगा क्यों अबे। एकदम हाँ सर, क्या शर्ट प्रेस किए भाई, आप लोग देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप लोग, कमेंट में भर देंगे भाई मेरा भी करना है हमको पता है ना। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं भैया ने एक शर्ट प्रेस कर लिया, तो फाइनली गाइस मैंने एक शर्ट प्रेस कर लिया, अभी काफी सारे हैं, एक शर्ट को प्रेस करने में कम से कम 8-9 मिनट लग गए भाई, मान के चलो 10 मिनट नियर अबाउट, तो यानी कि 1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा भाई, 1.5 घंटा प्रेस करने में भाई हाथ दुखने लगेंगे भाई हाथ। तो चलो सब करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और रेनकोट लेने चलते हैं और ठंडी का कुछ सामान और चड्डी मंडी लेना है,
तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस देख रहो मैंने इतना सारा कपड़ा प्रेस कर लिया, तो भाई अगर घर के मेंबर कोई भी अगर कपड़ा प्रेस कर दे तो कभी भी नुकसान नहीं करना कि भाई चिमरा है ये है। मैंने 1.5 घंटा लगाया केवल ये कपड़ा प्रेस करने में, तो तुम लोग समझ सकते हो भाई घर वाले अगर कह दे कि कपड़ा यही प्रेस किया है तो पहन लो तो पहन लेना, नखरा मत करना, क्योंकि जब अपने पे आती है प्रेस करने की बारी आती है तो भाई कहानी ख़त्म हो जाती है। चलो ठीक है चलते हैं और दुकान पर चलते हैं वो लेने के लिए, क्या चड्डी और रेनकोट। तो चलो चलते हैं भाई। फाइनली भाई वो ट्रैक सूट हम लोग को मिला नहीं जो हम लोग खोजने गए थे बारिश से बचने के लिए, तो कुछ भी नहीं मिला। तो अब कल ढूंढेंगे, गोरखपुर जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।